राजधानी भोपाल तक बीते सप्ताह कांग्रेस के प्रदेश सचिव द्वारा गांधी पदयात्रा निकाले जाने के बाद रविवार को यात्रा संयोजक राकेश सिंह यादव का स्वागत किया गया। गांधी जी के विचारों को सशक्त और साकार करने के उद्देश्य से बीते सप्ताह कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव द्वारा सैकड़ों लोगों को साथ लेकर इंदौर से भोपाल तक एक गांधी पदयात्रा निकाली गई थी, जिसके समापन अवसर पर राजधानी भोपाल में सीएम कमलनाथ ने यात्रा की अगुवाई कर इस यात्रा को सफल बनाया था। यात्रा के सफल बनाने और कांग्रेस नेता यादव के हौसले अफजाई करने के उद्देश्य से रविवार को इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन स्थित एक आयोजन रखा, जिसमें शहर के कई कांग्रेस नेताओं ने राकेश सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया। स्वागत सत्कार आयोजन के दौरान कांग्रेस नेता यादव ने एक बार फिर कहा कि यह देश गांधी का है और यहां गोडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। यह बात देशवासी और प्रदेशवासी अब समझ चुके हैं। पहले किया था वो प्रासंगिक है, सिर्फ जरूरत कांग्रेस को इस बात की है कि गांधी जी के जो संदेश है एक नए फ्लेवर में एक नए तरीके से आम युवाओं तक पहुंचाया जाए। युवाओं का बहुत बड़ा साथ मिला है। भोपाल में भी भव्य एक रैली जो हमारी निकली थी, जिसमें गांधी संदेश यात्रा गई थी, क्योंकि गांधी जी का जो विषय था, आज 150 साल उनके जन्म को हो चुके हैं और 48 के बाद से आज तक जब भी कांग्रेस की सरकारें नहीं रही है, गांधी जी को समाप्त करने की कोशिश की गई है। सारे कोर्सेज से जीवनियां उनकी हटा दी गई है। अन्य जितने भी आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में लोग थे उनकी भी जितनी भी जीवनी है सारे कोर्सेज से हटा दी गई है। तो इन सब बातों को हमने जनता के समक्ष रखा है, आम लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नेता पूरे समय साथ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण समय निर्देशन प्राप्त होता रहा और एक सफल यात्रा भोपाल तक हुई। उसी के संबंध में आज यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान समारोह आपस में मिलने जुलने का रखा है। यही कार्यक्रम आयोजित किया गया।